गुड मॉर्निंग यूके जी, आज आपकी हिंदी की क्लास है। तो हिंदी की लास्ट क्लास में हमने क्या था, बड़े ओ की मात्रा किसकी की थी? बड़े ओ की मात्रा जो कि व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, यानी किसी भी अक्षर के नीचे मात्रा लगाई जाती है। एक बार हम इसको फिर से लगाने का तरीका देखेंगे कैसे ये मात्रा लगाई जाती है। उसके बाद मैंने पूरा एक छोटी सी एक स्टोरी आपके लिए लिखी है, उसका नाम है सूरज निकल आया। इसको हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद ये काम आपको कॉपी में करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी क्या होती है, अटेंडेंस लगाई जाती है। और इसके बाद हम आपको बैक एक्सरसाइज करवाएंगे इसकी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊ की मात्रा को लगाने का तरीका हमने पिछले वीडियो में भी किया था, एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे कैसे लगाई जाती है। हम कोई भी व्यंजन लिख रहे हैं, ये मैंने लिखा है क ख ग घ च छ ज झ। अब देखिए बड़े ऊ की मात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगाई जाती है? अक्षर के नीचे, व्यंजन के नीचे। तो इस पे हमने मात्रा लगाई का पर, बड़े ऊ की मात्रा। तो हमारा हमारा जो स्वर आया वो क्या आया? कू कू। खा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई हमने खू। गा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई गु। घा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई घू। चा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई हमने चू। छा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई छू। जा पर बड़े ऊ की मात्रा जू। जहाँ पर बड़े की मात्रा झू। इसी तरीके से किसी भी व्यंजन पे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, हमारा स्वर आता है ऊ का स्वर उसके साथ में शामिल होता है। टा पर लगाएंगे टू। तो ये था बड़े ऊ की मात्रा को लगाने का तरीका, हमेशा व्यंजन के नीचे ही लगाई जाती है। चलिए अब मैंने छोटी सी स्टोरी आप लोगों के लिए लिखी है, हम इसको रीड करते हैं। सा पर बड़े ऊ की मात्रा सूरज सूरज। ना पे की मात्रा निकल निकल। आ या आया। धा पर बड़े की मात्रा धूप धूप। खा पे बड़े की छोटी की मात्रा खिल खिल। ग ई धूप खिल गई। पा पर बड़े की मात्रा पूनम पूनम अब उठ। दा पर बड़े की मात्रा दूर दूर तक तक। घा पर बड़े की मात्रा घूम घूम कर आ। का पर बड़े की मात्रा कूड़ा कूड़ा दूर दूर। डाल डाल कर आ। आप भी मेरे साथ साथ रीड करेंगे, ठीक है? वीडियो देखेंगे बार बार और रीड करके ये स्टोरी आपको कॉपी में भी लिखनी है। फा पे फी र फिर नहा नहा कर कर आ। बा पर बड़े की मात्रा बूढ़ा बूढ़ा। मा ली माली का 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 आ या आया। बूढ़ा माली का का आया। अब लास्ट लाइन देखिए। डलिया डलिया भर भर कर। फा पर बड़े ऊ की मात्रा फूल फूल। व फल फल लाया लाया। अब इसमें सबसे पहले हम बड़े ऊ की मात्रा के शब्द अलग से छाटेंगे, मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूँ। देखिए सूरज धूप, पूनम दूर, घूम कूड़ा, बूढ़ा फूल। तो ये क्या थे? हमारे बड़े ओ की मात्रा के शब्द थे। ध्यान से देख देख मतलब मात्रा लगा के इसको पढ़ने का तरीका सीखेंगे। मैंने अभी आपको पढ़ने का तरीका बताया, कॉपी में ये काम करना है। अब हम इसकी करने वाले बैक एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर का चित्र देखकर शब्द पूरे करो। या मैंने कुछ पिक्चर्स बना रखी है, इसमें ऊ की मात्रा। अब हम बुक की बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा चित्र देखकर शब्द पूरे करो। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स बना रखी है, उसमें ऊ की मात्रा लगेगी तो आप उसे लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले पिक्चर है हमारी फूल की। किसकी है? फूल की। तो फा फा पर बड़ी की मात्रा फूल फूल। अगली पिक्चर देखी, ये मैंने बनाई मूली की पिक्चर। माँ पर बड़ी की मात्रा ला पर बड़ी की मात्रा मूली। अब देखिए अगली पिक्चर देखिए किसकी है? सूरज की। सा पर क्या लगेगी? सा पर बड़ी की मात्रा सूरज सूरज। अगली पिक्चर देखिए किसकी है? तराजू तराजू। यानी जा पर किसकी मात्रा लग रही है? बड़े ऊ की मात्रा तराजू। और अगली पिक्चर देखिए हमारी है अमरूद की। अ म रा पर किसकी मात्रा लग रही है? रुद अमरूद। अब देखिए लास्ट पिक्चर देखिए हमारी जूता पहनते ना पैर में। जा पर किसकी मात्रा आएगी? जा पर बड़े ऊ की मात्रा जू। ता पे की मात्रा ता जूता। तो
तो ये हमारा था चित्र देखकर शब्द पूरे करने थे। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। फा पर बड़े मात्रा फूल फूल, मा पर बड़े की मात्रा बड़े की मात्रा मू, ला पर बड़े की मात्रा ली मूली, सा पर बड़े की मात्रा सूरज सूरज, त रा जा पर बड़े की मात्रा जू तराजू। अगली पिक्चर है अमरूद की, अमरूद अमरूद। और लास्ट पिक्चर है जूता, जा पर बड़े की मात्रा जू, ता पर की मात्रा ता जूता। तो ये हमारा था चित्र देखकर शब्द पूरे करो। अगला प्रश्न हम और करेंगे, एक लास्ट वाला है बैक एक्सरसाइज में, उसे भी ध्यान से देखिए। इसे हम क्या करने वाले हैं, प्रश्न नंबर का है हमारा जोड़कर शब्द बनाओ। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इनको जोड़कर आपको यहाँ पर लिखना, उसे हमारे शब्द बनेंगे। घा पर ऊ की मात्रा घुट, ना पर आ की मात्रा ना घुटना, तो शब्द हमारा क्या बना घुट ना। अब देखिए क पा पर ऊ की मात्रा पूर कपूर। अगला शब्द देखिए क बा पर ऊ की मात्रा बू ल कबूल। अगला शब्द श ह ता पर किसकी मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा फिर त शहतूत। अगला शब्द देखिए च ब त बा पर उ की मात्रा, बा पर किसकी मात्रा है उ की मात्रा च ब बा पर उ की मात्रा बू त रा पर आ की मात्रा र चबूतरा। और लास्ट शब्द देखिए हमारा ब ब बा पर उ की मात्रा बू ल बबूल। तुम्हारे शब्द क्या बना घुटना कपूर कबूल शहतूत चबूतरा बबूल। तो यूकेजी ये आपका काम है, कॉपी में कीजिएगा, नीट एंड क्लीन कीजिएगा, बिल्कुल बोल बोल के कीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस लगती है। बाय बेटा, हैव फन।